सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले कि आप एक ही मोबाइल फ़ोन पर या पर दो जियो की सिम कैसे यूज़ कर सकते हो। मैं आपके लिए ऐसी एक ट्रिक लेकर आया हूँ जिसे आप यूज़ कर एक ही मोबाइल फ़ोन पर अपने दो जियो की सिम एक ही साथ यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको कोई भी फ्रॉड नहीं बता रहा हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर लाइव में देख सकते हो। ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर दोनों के दोनों मेरे पास यहाँ पर जियो की सिम है। तो यहाँ पर ऊपर, तो यहाँ पर कोई फ्रॉड नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो। सच में एक ही मोबाइल पर आप यहाँ पर दो जियो की सिम यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों के दोनों सिम मेरे जियो के हैं और एक ही साथ में एक ही मोबाइल पर ये दोनों सिम यूज़ करता हूँ। तो कैसे आप भी अपने मोबाइल पर इस तरीके से दो जियो की सिम यूज़ कर सकते हो, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके पहले मैं सबसे पहले आपको हमारा प्रूफ दिखा देता हूँ। उसके लिए आप देख सकते हो यहाँ पर मैं सेटिंग ओपन करके दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको जल्दी से यकीन हो जाएगा। उसके लिए आप देख सकते हो यहाँ पर सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क में इस पर जाता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा आ रहा है जियो 4G, उसके बाद हमारा मोबाइल नंबर, उसके बाद फिर से यहाँ पर जियो 4G यहाँ पर आप देख सकते हो और हमारा यहाँ पर मोबाइल नंबर। और आप देख सकते हो यहाँ पर ऊपर लिखा आ रहा है यहाँ पर LTE, यहाँ पर आप देख सकते हो, यानी कि ये जब नाम आता है तभी आप यहाँ पर जियो कॉलिंग कर सकते हो, यानी कि जियो मोबाइल फोन से किसी भी सिम से कॉल रिसीव कर सकते हो, सेंड कर सकते हो। LTE नाम नहीं आता तब तक आप यहाँ पर ना ही कॉल कर सकते हो और ना ही कॉल रिसीव कर सकते हो। जैसे कि मेरा डाटा अभी 1 सिम पर चालू है, तो अभी मैं आपको यहाँ पर 2 सिम पर हमारा डाटा यहाँ पर चालू करके दिखा देता हूँ। उसके लिए आप देख सकते हो मैंने स्विच ऑन यहाँ पर 2 सिम पर कर दिया है और सक्सेसफुल है, हमारे यहाँ पर डाटा ऑन हो चुका है। यहाँ पर हम फिर से यहाँ पर इस पर क्लिक कर लेते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 1 पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। सिंपल सा फिर से हमारा यहाँ पर डाटा 1 सिम पर यहाँ पर चालू हो चुका है। यानी कि आप एक ही मोबाइल पर एक ही साथ दो जियो की सिम यूज़ कर सकते हो। लेकिन एक बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, जब यहाँ पर दूसरे सिम पर कॉल आ जाएगा तो आपका ये जो फर्स्ट वाला सिम है इसका डाटा ऑफ हो जाएगा। ये सिम चालू रहेगा लेकिन डाटा ऑफ हो जाएगा, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगर पहले ही सिम पर कॉल आ जाता है तो यहाँ पर पहले सिम पर कॉलिंग आ जाता है, कॉल आ जाता है तो आपका यहाँ पर डाटा भी चालू रहेगा और साथ ही आप बात भी कर सकते हो। लेकिन आपने जिस भी सिम पर डाटा ऑन करके रखा है उस पर अगर कॉल नहीं आता तो पहला सिम का जो डाटा ऑन रहता है वो ऑफ हो जाता है, तभी आप यहाँ पर कॉल रिसीव कर सकते हो। लेकिन आप यहाँ पर एक ही साथ दोनों सिम का यहाँ पर कॉल रिसीव भी कर सकते हो और सेंड भी कर सकते हो, तो बहुत ही अच्छी बात है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना कुछ देर को शुरुआत करते हैं, कैसे आप इन दोनों सिमों को एक ही मोबाइल पर यूज कर सकते हो उसके बारे में जान लेते हैं। सो आप देख सकते हो मैं होम पेज पर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर हमारा सिर्फ एक ही सिम अभी चालू है जो कि जियो का है। अभी मैं आपको 2 सिम एक ही साथ चालू करके दिखाने वाला हूँ। तो मैंने जो सेटिंग की थी वो ऑफ कर दी है, तो मैं अभी आपको लाइव में ऑन करके दिखाऊंगा और एक ही साथ यहाँ पर 2 जियो की सिम चालू करके दिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए आप देख सकते हो अभी फिलहाल आप यहाँ पर नेटवर्क भी चेक कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो स्टेप बता रहा हूँ उसे आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लेना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर सेटिंग पर जाना है। सेटिंग पर जाने के बाद आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा। तो आपकी सेटिंग पर आपको यहाँ पर आना है, अबाउट फोन इस पर आपको आना है। सबसे पहले आपका जो भी एंड्रॉइड मोबाइल फोन हो उसे आपको यहाँ पर अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर अबाउट फोन का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आगे अपडेट लिखा रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है, देन आपका मोबाइल फोन अपडेट कर लेना है। आपको ओपन करके मैं दिखा देता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर अपडेट आया होगा तो आपको अपडेट मिल जाएगा, आप देख सकते हो ऊपर ही अपडेट लिखा रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है, देन आपका एंड्रॉइड मोबाइल फोन को आपको अपडेट कर लेना है। ये सबसे पहली बात आपको कर लेना है। जैसे यहाँ पर मोबाइल फोन को अपडेट कर लेते हो, देन ओपन करने के बाद आप देख सकते हो फिर से आपको यहाँ पर सेटिंग पर आना है। सेटिंग पर आने के बाद आप देख सकते हो सिम कार्ड और मोबाइल नेटवर्क, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपके मोबाइल फोन पर ऐसा ऑप्शन नहीं तो आपको यहाँ पर नेटवर्क मोड का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। देन अगर वो भी ऑप्शन आपके मोबाइल फोन पर नहीं है तो आपको यहाँ पर कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिल जाता है, कनेक्टिविटी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद उससे आपको ओपन कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर कनेक्शन का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ता है। अगर आपके पास यहाँ पर सिम कार्ड का ऑप्शन है तो आप उससे भी ओपन कर सकते हो। सेम टू सेम सेटिंग होती है हर एक मोबाइल फोन पर, सिर्फ आपको यहाँ पर पढ़कर जाना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर ओपन करने के बाद आप देख सकते हो हमारे यहाँ पर दोनों दोनों सिम यहाँ पर हमने जियो लगा कर रखे, यहाँ पर जियो 1 और जियो 2 यहाँ पर लिखा रहा है और साथ ही मोबाइल नंबर इनका देख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो उनके कॉलिंग की सेटिंग आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, डेटा की सेटिंग आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो अभी फिलहाल मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप इन्हें एक ही साथ यूज कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर सिर्फ अभी एक ही सिम मेरा चालू है, तो मैं भी यहाँ पर जो दोनों के दोनों सिम है एक ही साथ चालू करना चाहते हो। तो आप देख सकते हो आप जैसे ही अपडेट कर लेते हो तो अपडेट करने के बाद आप देख सकते हो ड्यूअल 4G का आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, इसे ऑन कर देना। जैसे कि मैंने ऑन कर लिया, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर ऑफ कर लिया, उसके बाद ऑन करते हैं यहाँ पर 4G नेटवर्क आ जाएगा। जैसे कि ये लोड हो रहा है तो मैं इसे लोड होने देता हूँ और आप देख सकते हो यहाँ पर ड्यूअल 4G हमारे यहाँ पर चालू हो चुका है। दोनों के दोनों सिम हमारे जियो के सिम लगा कर रखे हैं और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हो सक्सेसफुली हमारे यहाँ देख सकते हो यहाँ पर एक साथ दोनों सिम चालू हो चुके हैं। आप चाहो तो यहाँ से डाटा कनेक्शन भी चेंज कर सकते हो। जैसे
में इस पर डाटा सेट कर लेता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा डाटा यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो उसके बाद आप देख सकते हो एक ही साथ आप यहाँ पर दो सिम एक ही साथ यूज़ कर, आपको यहाँ पर किसी भी नंबर पर कॉल आता है तो आपको यहाँ पर सक्सेसफुली रिसीव हो जाएगा, आपको कोई भी डरने की बात नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों के दोनों सिम हमारे यहाँ पर चालू हो चुके हैं। आप साथ ही एक ही साथ दोनों सिमों से यहाँ पर कॉलिंग भी कर सकते हो, कॉल रिसीव भी कर सकते हो, यानी कि बहुत ही अच्छा खासा फीचर आपको यहाँ पर मिल जाता है ड्यूअल 4G का। सिर्फ आपको यहाँ पर इसे ऑन ऑफ करना पड़ता है, जैसे कि आप देख सकते हो अपडेट से आप देख सकते हो फिर से मैंने यहाँ पर ऑफ कर लिया। ऐसे ही कुछ इस तरीके से आपका भी ऑफ रहेगा तो उसे आपको यहाँ पर सिंपल से जैसे कि आप देख सकते हो नेटवर्क चला गया है तो मैं फिर से इसे ऑन कर देता हूँ। ऑन करने के बाद आप देख सकते हो सक्सेसफुली हमारे यहाँ पर दोनों के दोनों सिम एक ही साथ यहाँ पर चालू हो जाएगा। तो तरीके से आप एक ही मोबाइल फोन पर यहाँ पर दो जियो की सिम यूज कर सकते हो और एक ही साथ दोनों सिमों पर आपको यहाँ पर कॉल रिसीव भी होंगे और साथ ही आप किसी भी सिम से कॉल भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको सिंपल सी सेटिंग कर लेने, सबसे पहले अपडेट कर लेना है, देन आपको जो मैंने सेटिंग बताई वो कर लेनी है। उसके बाद आप देख सकते हो सक्सेसफुली आप एक ही मोबाइल फोन पर दो जियो की सिम यूज कर सकते हो और 100% आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, कोई भी फ्रॉड वीडियो नहीं है। तो आपको इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर लेना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, जो भी लाते हैं उसको भी क्लिक कर लेना है और साथ ही आपके और भी कोई भी डाउट्स हो तो आपको उन्हें कमेंट कर लेना है जिससे कि मैं आपको उनका रिप्लाई दे पाऊँ। तो चलिए वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जो भी लाते हैं उसको भी क्लिक कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो।